हेलो दोस्तों, मैं हूं बी आर बिक्के। आप सबको स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बी आर वाइल्ड डबर में। तो आप लोग देख सकते हैं, आज हमारे साथ है ऑर्नेट लॉरी। ये आप देख सकते हो कितना प्यारा सा लॉरी है। अभी ये खा रहा है, फ्रूट्स वगैरह खा रहा है। हमारा पपया अभी ये खा रहा है। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने वाले ऑर्नेट लॉरी के ऊपर। ये जो ऑर्नेट लॉरी है, ये इसका ओरिजिन होता है हमारा इंडोनेशिया से। आप देख सकते हो, तो ये स्पेसिकली इंडोनेशिया से जो बिलोंग करता है। और इसका जो लाइफ स्पान है, मतलब ये तो वाइल्ड में 10 से। सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा दे। 10 से लेकर 20 तक जो सर्वाइव करता है। लेकिन हमारा यहाँ पे तो इसका खाना वगैरह, उसका जो डाइट प्लान, वो सब अच्छे से रहता है। इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा टाइम और वाइल्ड से और थोड़ा ज़्यादा टाइम तक हमारे यहाँ पे सर्वाइव करता है। और इसका साइज आता है लगभग, इसके जो हेड से लेकर पूरे टेल तक इसकी साइज आता है 10 इंचज तक आता है, 10 इंच तक। ये आप देख सकते हो। और अभी ये छोटा बच्चा है, जो कि आप देख सकते हो पूरे के पूरे हंड टेम है। ये आप देख सकते हो। ऑर्नेट का सबसे यही खास बात होता है कि इसका जो कॉलर होता है, इसका जो कॉलर कॉम्बिनेशन होता है, इसके हेड से लेकर उसके दो गर्दन नीचे वाला पोजीशन तक, इसका जो जो कॉलर होता है वो थोड़ा जो मिक्स साइड का होता है। ये आप देख सकते हो अच्छे से, येलो वाला उसके जो आई के साइड से, उसके जो हेड्स के हेड के ऊपर है कॉलर, एकदम उसकी प्यारा सा कलर रहता है। इसीलिए इसको बहुत लोग पसंद करते हैं, ऑर्नेट लॉरी को। और इसकी जो ब्रीडिंग प्रोसेस होता है जो ऑर्नेट लॉरी का, वो लगभग 1 साल में 3 से 4 क्लास तक ब्रीड करता है। मतलब 3 से 4 बार ये अंडा देता है। और ये पाइनापुल कन्यूर या फिर सन कन्यूर, मतलब कन्यूर की तरह नहीं है जो कि 4-5 अंडे देता है। ये सिर्फ 2 ही अंडे देते हैं, एक पूरे के पूरे एक क्लॉज में ये 2 अंडे देते हैं। और 2 से 2 बच्चे, कभी कभी 1 बच्चे 2 बच्चे निकल जाते हैं आराम से। आप देख सकते हो। और इसको पूरे के पूरे अडल्ट होने तक 1.5 से लेकर 2 ईयर तक टाइम लग जाता है। 1.5 से लेकर 2 ईयर तक लग जाता है इसको इसको पूरे के पूरे अडल्ट होने के लिए। और इसकी जो डाइट प्लान वगैरह रहता है, जैसे कि ये तो नेचर में हमारा जो खाना पीना वगैरह जो रहता है हमारा जो नेचर में ये जो ज़्यादा, जैसे जो जो हमारा फ्लावर्स हो गया या फिर हमारा फ्रूट्स को ज़्यादा पसंद करता है खाने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे इसको ये देते हैं, जैसे कि सुबह इसको देते हैं स्प्राउट्स वगैरह। स्प्राउट जैसे कि मैं आपको वही बताया था, गेहूं, बादाम, काले चने, वो सब जो भिगो के, जो रात को उसको जो भिगो के रख लेते हैं, फिर सुबह उसको स्प्राउट बना के देते हैं। उसके बाद उसके बाद आता है 9 बजे हमारा, जैसे कि जो वेजिटेबल वगैरह हो गया, कुकुम्बर या फिर गाजर वगैरह या फिर जो कद्दू वगैरह हो गया, ये आप इसको दे सकते हो जो वेजिटेबल के टाइम पे। उसके बाद आता है हमारा फ्रूट्स, जो कि फ्रूट्स उसको बहुत पसंद आता है। फ्रूट्स में हमारा पपया हो गया, गुआवा हो गया, और हमारा एप्पल हो गया, ग्रेप्स वगैरह हो गया, ये सब उसको पसंद होता है। आप देख सकते हो ये कैसे खा रहा है अभी पपया, एकदम प्यारा से, एकदम अच्छे से, क्योंकि उसको फ्रूट्स बहुत पसंद होता है लॉरी को। जितने भी हमारे लॉरी के स्पेसिस होता है, ये जो लॉरी कीट है, उनको बहुत पसंद होता है फ्रूट्स खाना। ये आप देख सकते हो। उसके बाद फ्रूट्स के बाद हम ये सीड्स भी खाना पसंद करता है, सीड्स भी खाता है, सीड्स वगैरह। और ये जो खाता है, उसका जो डाइजेशन से जो सिस्टम होता है, ये पूरे के पूरे खाने के बाद, खाना खाने के बाद इसके खाने में जो विटामिन वगैरह हो गया या फिर जो सप्लीमेंट वगैरह हो गया, उसको अपने जो बॉडी में अब्जॉर्व कर लेता है। उसके बाद वो डायरेक्ट पॉटी कर लेता है। और इसकी जो पॉटी होता है, ये पूरे के पूरे मतलब लिक्विड की, जो मतलब लिक्विड के जो फॉर्म में आता है, और मतलब दूसरी बार की तरह हार्ड नहीं होता है। उसकी जो पॉटी पूरे के पूरे लिक्विड की तरह होता है। लिक्विड की तरह इसीलिए होता है क्योंकि जो भी खाना खाता है, इसको डायरेक्ट अपने बॉडी में लेकर फिर पॉटी कर लेता है। आप देख सकते हो। और उसके बाद चलते हैं उसके जो केज की साइज वगैरह हो गया उसका, तो आप उसको रखने के लिए आप सिंगल रखो या फिर प्यारिंग करके रखो, मतलब प्यार मतलब मेल या फीमेल रखो।
उसके लिए आपको केज की साइज रहता है हमारा 6x3x3, मतलब 6 फीट उसके जो लंबाई और 3 फीट उसके लेंथ और 3 फीट उसकी हाइट, 6x3x3 पे आप इसको रख सकते हैं, जो उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्लाइंग करेगा, जितना ज़्यादा मतलब केज के अंदर वो फ्लाइंग करेगा, उसके जो ब्रीडिंग का प्रोसेस इतना अच्छा रहेगा और ये बार्ड भी उतना हेल्दी रहेगा, क्योंकि आप जो हमारा जो बार्ड्स वगैरह होते हैं वो जितना फ्लाइंग करते हैं उनका जो बॉडी का एक्सरसाइज उतना हो पाता है। जैसे कि हमारा हम लोग जो इंसान लोग जैसे कि वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट मतलब हाथ और पैर को हिलाना होता है, हाथ पैर के ऊपर जो भी कुछ एक्सरसाइज होता है, तो ये बार्ड होते हैं उनके पूरे पूरे एक्सरसाइज होता है उसके उनके जो फ्लाइंग करने में, तो ये जितना ज़्यादा अच्छे से फ्लाइंग करेगा उतने अच्छा ये हेल्दी रहेगा और उसका जो ब्रीडिंग प्रोसेस उतनी ही अच्छी रहेगी। और ये टॉकिंग भी अच्छे बहुत अच्छे से मतलब टॉकिंग करते हैं, आप उसको बचपन से लेकर जो भी जो भी कुछ आप सिखाएंगे वो इतने अच्छे से टॉकिंग करता है, अच्छे से टॉकिंग पार्ट भी होता है। और ये आप देख सकते उसके जो जो टॉकिंग के होता है वो पूरे पूरे क्लियर और मतलब लवली सा होता है, उसका जो साउंड होता है टॉकिंग का साउंड होता है, आप देख सकते हो। ये हमारा पप्पया पूरे पूरे ख़त्म करने ही वाला है, मतलब पूरे 70% खा चुका है, अब ये 30% बचा हुआ है। और फ्रूट्स को बहुत पसंद करते हैं, फ्रूट्स को खाने में उनको मतलब बहुत अच्छा लगा जो जो लगता है फ्रूट्स को खाने में, तो ये आप देख सकते हो ये पूरे के पूरे हेल्दी एक्टिव प्यारा सा ऑर्नेट लॉरी है, आप देख सकते हो। आपको भी अगर ऐसा अर्नेट लॉरी चाहिए एक्टिव वाला एकदम हेल्दी वाला, तो आप हमें हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है जो डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा उससे आप हमसे कॉन्टैक्ट करके ऐसे अर्नेट लॉरी आप ले सकते हो, जो आपकी आप देख सकते हो, जो कि आपको पूरे के पूरे डीएनए के साथ आएगा। ये आप देख सकते हो उसकी पैर में जो डीएनए वाला रिंग है, मतलब उसका डीएनए हो सकता है। आप चाहे तो उसको सिंगल ही मतलब ले सकते हो अपने हंड टाइम के लिए, या फिर उसको जो घर में रख के लिए जो रखने के लिए सिंगल, या फिर आप उसको ब्रीडिंग करने के लिए प्यार भी ले सकते हो, मेल फीमेल दो ले जो ले सकते हो, जो भी ले सकते हो, लेकिन ये वाला जो आता है उसको रिंग वाला वो आपको जो देख के लेना है कि 100% डीएनए उसका है कि नहीं, या फिर मेल फीमेल कन्फर्मेशन करके ये आपको लेना है। तो दोस्तों अगर आपको ऑर्नेट के ऊपर और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए हमारे अगले वीडियो तक। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे मुठिया पेलने जाना है, बाय।